क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, आपको बता दें क्वेश्चन नंबर 15 हमारे छूट गए, तो उसे हम लास्ट वीडियो में कर लेंगे, ठीक है। 36 नंबर देखिए, द वैल्यू ऑफ कॉस 30 डिग्री इज इक्वल टू, तो वैसे तो वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे हम आपको सजेस्ट करेंगे एक शॉर्टकट होता है कॉस 30 और साइन 30 वगैरह की वैल्यूज याद रखने के लिए 90 तक, तो वो आप देख लेना, वो वीडियो को लिंक हम यहीं पर अटैच कर देंगे, क्लियर, डिस्क्रिप्शन में, तो आप देख लेना उसको। फिलहाल कॉस 30 वैल्यू आपको पता है होती है √3/2, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर, द वैल्यू ऑफ कॉस 30 माइनस साइन 30 इज इक्वल टू, तो कॉस 30 तो आपको पता है √3/2 माइनस साइन 30 कितनी होती है 1/2, तो कितनी हो जाएगी है √3 - 1/2, तो देखिए कौन सी है पहली वैल्यू आपकी, ऑप्शन ए में दी है, ये आंसर हो जाएगा। अब देखिए 38 नंबर कहता है, द वैल्यू ऑफ कॉस 30 कॉस 60 कॉस 90 एंड कॉस 120 इज इक्वल टू, तो यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, बाकी वैल्यूज आपको याद हो ना हो, लेकिन साइन 90 तक और कॉस 90 तक वैल्यूज याद होनी चाहिए, यानी 30, 45, 60 और 90, ये सब याद होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ देखेंगे, कुछ भी हो जाए लेकिन कॉस 90 वैल्यू चूँकि जीरो होती है, इसलिए जो कुछ भी होगा वो सब कुछ जीरो हो जाएगा, ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका आंसर बन जाएगा, क्लियर। अब चूंकि बहुत सारे सवाल हैं इसलिए आपको ये वैल्यूज याद रखना जरूरी है, और ये वैल्यू याद रखने के लिए हम एक शॉर्टकट आपको दूसरे वीडियो में बताएंगे, ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा अदरवाइज, ठीक है, और उसका लिंक हम अटैच कर देंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 39, यहाँ पर कह रहा है टेन थीटा इज इक्वल टू 1, तो हम क्या करेंगे, इस पूरे जो कुछ भी यहाँ दिया है इसको हम टेन थीटा में कन्वर्ट कर लेते हैं, बहुत आसान हो जाएगा हमारे लिए, तो ये कन्वर्ट करेंगे, तो देखिए कैसे कन्वर्ट करेंगे, 2 sin theta दिया हुआ है हमें प्लस cos theta दिया हुआ है, ठीक, तो यहाँ पे हम कॉस थीटा से डिवाइड कर देते हैं, तो 2 sin theta प्लस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा, और नीचे भी ऐसे डिवाइड करेंगे 2 sin theta माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा, क्लियर। अब इसको आगे ओपन करके हम कैसे लिखेंगे, ऐसे लिख सकते हैं 2 sin theta अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा, और ऐसे ही नीचे 2 sin theta अपॉन कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब आगे ले जाइए इसको, और यहाँ पे देखिए ये 2 sin theta अपॉन कॉस थीटा मतलब 2 tan theta, और ये हो जाएगा यहाँ से 1, और ऐसे नीचे 2 tan theta - 1। अब हमें टेन थीटा की वैल्यू दी है कितनी 1, तो 2 × 1 + 1 अपॉन 2 × 1 - 1, तो 2 + 1 = 3 हो जाएगा, ऊपर और नीचे कितना हो जाएगा 1, मतलब 3 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन कौन सा है ये, ऑप्शन सी में दिया है, तो ऑप्शन सी आपका आंसर बन जाएगा। 40 नंबर देखिए, वैल्यू ऑफ दिस इज इक्वल टू, 40 में सिर्फ आपने करना क्या, वैल्यूज प्लेस करनी है, तो चलिए वैल्यूज प्लेस कर देते हैं, 3 tan² थीटा का मतलब है, यहाँ पे थीटा दिया 45, टेन स्क्वायर 45 दिया, तो थीटा 45 हो गया यहाँ पे, तो 3 × 10 45 की वैल्यू थी 1, तो 1 का कर दीजिए आप स्क्वायर, प्लस कॉस स्क्वायर 30, कॉस 30 वैल्यू थी √3/2, और इसका करेंगे आप स्क्वायर, माइनस साइन 60, तो साइन 60 वैल्यू कितनी होती है √3/2, और इसका भी करेंगे हम स्क्वायर, तो ये प्लस ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास 3 × 1, यानी कि 3, आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन बी हमारा आंसर बन जाएगा, क्लियर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 41 में कहता है कि इफ 3 sin theta + 4 cos theta = 5 देन वैल्यू ऑफ साइन थीटा इज इक्वल टू, तो वैसे आपको याद आ रहा होगा पाइथागोरस ट्रिपलेट 3, 4, 5 ये पाइथागोरस ट्रिपलेट कहलाता है, और ऐसे ही आपका कह सकते हो 6, 8 और 10 भी पाइथागोरस ट्रिपलेट कहलाता है, मतलब इन सब की वैल्यूज अगर हम किसी ट्राइंगल की साइड्स को मान लें, दे दें, जैसे ये हमने एक ट्राइंगल बनाया जो कि रेक्टेंगल ट्राइंगल है, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो इस केस में अगर ये 3 है ये 4 है तो ये कितना हो जाएगा 5 है, और अगर ऐसा नहीं है, अगर ये साइड अलग अलग हैं, सपोज़ ये हुई आपकी 6 और ये हुई 8, तो ये कितनी हो जाएगी 10, तो इनको हम क्या कहते हैं पाइथागोरस ट्रिपलेट कहते हैं, तो ये उसी से आया हुआ सवाल है, अगर आप थोड़ा अंदाजा लगाने की कोशिश करेंगे, अदरवाइज ये वैसे भी सिंप्लीफाई हो जाएगा लेकिन थोड़ा लंबा रहेगा, हम यहीं पे पाइथागोरस ट्रिपलेट की मदद से इसको सॉल्व करना चाह रहे हैं। और साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है यहाँ पे, क्या होगी इस केस में, पहले केस में सपोज ये पहला केस है, ये तो हमने एग्जाम्पल दूसरा दिया था आपको, तो आप देखेंगे साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपरटेन्यूज, तो 3/5 हो जाएगा, सपोज 3/5 हमारा आंसर है फॉर द टाइम बीइंग, हम मान लेते हैं, ठीक है, अभी कंफर्म भी कर लेंगे, तो हमारे पास कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉस थीटा की वैल्यू हमारी हो जाएगी, ये होता है बेस अपॉन हाइपरटेन्यूज, तो 4/5 हो जाएगी। अभी वैल्यूज आप रखें यहाँ पे, ये सेटिस्फाई करेंगी क्या इस इक्वेशन को, हमारे पास है 3 sin theta + 4 cos theta
इज इक्वल टू 5, तो 3 इंटू 3 अपॉन 5 क्लियर, प्लस 4 इंटू 4 अपॉन 5 इज इक्वल टू कितना, देखिए 3 3 9 बाई 5 प्लस 16 बाई 5, एलसीएम ले लो 5, तो 9 प्लस 16 यानी कि 25, और नीचे रहेगा 5, 25 बाई 5 मतलब 5, और 5 हमारे पास आरएचएस में था यहाँ पे, ठीक है। इसका मतलब ये बिल्कुल सही वैल्यूज़ हैं ये और ये, और आंसर हमारा कन्फर्म हो गया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 42, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एडजेसेंट साइड ऑफ स्क्वायर फॉर्म ए, तो ये स्क्वायर की साइड्स के मिड पॉइंट को मिलाने पे क्या बनता है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, ये पॉइंट्स हैं, इनको मिला दें अगर हम, तो क्या बन जाता है, ये एक और स्क्वायर बन जाएगा, तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल, इस बार केस किसका, रेक्टेंगल का, क्लियर। रेक्टेंगल होता है कुछ ऐसा, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे और यहाँ पे होंगे ये मिड पॉइंट्स, इनको हम मिलाएंगे तो क्या बनेगा, ये आपका रोम्बस बन जाएगा, मतलब साइड्स तो बराबर होंगी बट जो एंगल बनेंगे, जैसे स्क्वायर में 90 डिग्री के बनते हैं, यहाँ पे 90 डिग्री के नहीं बनने वाले, तो रोम्बस आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर, लेट द रेडाई ऑफ टू सर्किल्स आर दिस एंड दिस सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रेडियस ऑफ अ सर्किल हुज सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू सम ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ दीज टू सर्कल्स। अब देखिए ये दो सर्कल्स हमें दिए हैं, एक की रेडियस है 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर इसकी रेडियस है, और एक बड़ा सर्कल है जिसकी रेडियस है इससे डबल 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर क्लियर। तो आप देखेंगे हमसे कहा गया है इनमें से कौन सी रेडियस होगी उस सर्कल की, जो कि वो सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू सम ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ दीज टू सर्कल्स, जिसकी सर्कमफेरेंस फेरेंस इन दोनों सर्कल की सर्कमफेरेंस के बराबर होगी। तो इसकी सर्कमफेरेंस कैसे निकलेगी, 2 पाई आर से, ये कितनी हो जाएगी, आर की वैल्यू 5, तो 2 इंटू 5 यानी कि 10 पाई, और इसकी कितनी हो जाएगी, इसकी 2 पाई आर से हम निकालेंगे, आर की वैल्यू यहाँ पर 10, तो 2 इंटू 10 यानी कि 20 पाई ये और 10 पाई ये, ठीक है। अब दोनों को आप ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 20 पाई प्लस 10 पाई इज इक्वल टू 30 पाई, ठीक। अब 30 पाई किसकी रेडियस सर्कमफेरेंस है, ये सर्कमफेरेंस है बड़े वाले सर्किल की, बड़ा वाला एक और सर्किल हमारा बन गया है, ठीक। इसकी रेडियस निकालनी कितनी है जबकि इसकी सर्कमफेरेंस ये है, फॉर्मूला वही रहेगा 2 पाई आर इज इक्वल टू कितना है दिया, 30 पाई, आर की वैल्यू निकालनी, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 2 से 30 कैंसिल हो जाएगा, तो आर इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, ओके। तो 15 सेंटीमीटर आपका है ऑप्शन डी में, और ऑप्शन डी इस आपका आंसर हो गया। और आप देखिए क्वेश्चन नंबर 45, बहुत ही मजेदार सवाल है, ऑन इंक्रीज ऑफ द रेडियस ऑफ अ सर्किल बाय 10%, रेडियस ऑफ सर्किल कितनी बढ़ा दी है, 10% बढ़ा दी, पहले 10 थी तो अब 11 कर दी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द चेंज इन इट्स एरिया, तो एक शॉर्टकट बताते हैं, बहुत ही बढ़िया है, सब जगह काम आने वाला है देखिए आगे जाके, x+y+xy/100, कोई भी 2 डायमेंशनल फिगर हो जैसे कि रेक्टेंगल सर्किल या आपका स्क्वायर रोम्बस वगैरह, इन सब में ये काम आएगा, ठीक। जैसे कई बार होता है ना कि इतने परसेंट बढ़ा दिया, इतने परसेंट घटा दिया, तो वहाँ पे भी यही काम आएगा, जैसे रेक्टेंगल ही कहेंगे, यहाँ तो चूंकि बात हो रही है किसकी, सर्किल की, तो एक्स और वाई एक हो जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों बराबर हैं, 10% की वैल्यू रख दो यहाँ पे, तो 10 प्लस 10 प्लस 10 × 10/100, यानी कि एक्स की जगह 10 रखोगे, वाई की जगह भी आप 10 रखोगे, क्लियर। तो ये 10 प्लस 10 20, और यहाँ पे देखो ये 0 से 0 कैंसिल, ये 0 से 0 कैंसिल, बचा 1, तो 21% का इंक्रीज होगा ये, तो ये विदाउट कॉपी विदाउट पेन का सवाल हो जाएगा, आप अगर थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेंगे तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 देखेंगे, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 5 सेंटीमीटर मोर देन इट्स ब्रेथ, तो इसकी ब्रेथ जो भी है उससे ज़्यादा कितनी है, 5 सेंटीमीटर इसकी लंबाई ज़्यादा है, अगर ये एक्स है तो x+5 ये है, द पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज 30, अगर पैरामीटर रेक्टेंगल की है कितनी, 30, पर पैरामीटर क्या होती है, इन दोनों को आप ऐड कर दो, डबल कर दो, तो पैरामीटर बन जाएगा, तो इन्हें ऐड किया, x+x+5 और इसको किया डबल, तो ये हो गया x+x मतलब 2x+5 अंदर, 2x और बाहर से 2 गया अंदर, तो 4x+10 इज इक्वल टू 30, तो यहाँ से 4x इज इक्वल टू 20, तो x इज इक्वल टू 5 आ गया, यानी कि ये है 5, तो ये कितना हो गया, 5 प्लस 5 10, क्लियर। अभी हमसे पूछा क्या है, देन इट्स एरिया, एरिया निकालना है, जबकि एक साइड हमें मिल गई कितना, एरिया के लिए फार्मूला क्या होता है, पहली साइड जो कि 5 है, दूसरी साइड कितनी है, 10, 10 × 5 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन पहला आपका सही हो जाएगा। अब देखिए ये भी एक बेहद मजेदार विदाउट कॉपी विदाउट पेन होने वाला सवाल है, और फॉर्मूला वही रहेगा, x+y+x × y/100, ठीक है। रेक्टेंगल केस में x उसकी लंबाई मान लो, तो y उसकी चौड़ाई हो जाएगी, क्लियर।
तो 20% लंबाई बढ़ा दी गई है, ब्रेथ को घटा दिया गया है 10%, तो जो घटेगा वो माइनस में चला जाएगा। चलिए वैल्यूज रखते हैं, तो देखिए एक्स की जगह 20 ये बढ़ा है, वाई की जगह माइनस में रख दो 10 क्योंकि ये घटा है, और दूसरा हमारा क्या है एक्स इंटू वाई, तो एक्स की वैल्यू तो प्लस में है 20 इंटू वाई की वैल्यू है माइनस में 10 अपॉन है 100। क्लियर, तो 20 माइनस 10 यानी कि 10 ये रह गया, और यहाँ से भी ये माइनस में आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, लेकिन ऊपर आएगा 2 इंटू 1 माइनस का, तो माइनस का 2 हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा ओवरऑल 8% प्लस में आ रहा है, तो इंक्रीज हो रहा होगा, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। कुछ भी नहीं करना, थोड़ी सी प्रैक्टिस आप कर लेना इस ट्रिक पे, बस हो गया काम। एंड नाउ क्वेश्चन 48, ऑन इंक्रीज द साइड ऑफ ए स्क्वायर बाई 10%, व्हाट इज द चेंज इन इट्स एरिया। फिर से वही एक्स प्लस वाई, सर्कल में भी हमने ये फॉर्मूला लगते हुए देखा है, रेक्टेंगल में भी, अब स्क्वायर में भी लग रहा है, देखिए एक्स इंटू वाई अपॉन 100 इंक्रीज हो रहा है साइड 10%, तो यहाँ एक्स वाई दोनों एक ही होते हैं, तो 10 प्लस 10 प्लस 10 इंटू 10 अपॉन 100, 0 से 0 खत्म, 0 से 0 खत्म, ठीक, तो ये कितना बचा 21% इंक्रीज, प्लस में आ रहा था इंक्रीज होगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 10:49 नंबर देखिए, वन कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम ए वेल सफर्ड डेक ऑफ 52 कार्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस। अब यहाँ पे आप देखेंगे नंबर ऑफ एसेज होते हैं कितने, एस जो कार्ड होते हैं वो 4 होते हैं ताश की गड्डी में, ठीक है, तो एसेज होते हैं 4। ओके, अब प्रोबेबिलिटी देखिए 4 कितने में से, 52 कार्ड में से टोटल, तो 1/13 होनी चाहिए, यहाँ ऑप्शन सारे के सारे गलत दिए हैं, ये क्वेश्चन जो है गलत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 50 नंबर, ए बॉक्स कंटेन 5 ब्लू 2 व्हाइट एंड 3 रेड मार्बल्स, इफ ए मार्बल इज डाउन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी रेड। तो टोटल कितनी प्रोबेबिलिटी है, 5 ये 2 ये 7 प्लस 3 10, और इसमें से हमने निकालना रेड रेड कितने हैं 3, तो 3/10 हो जाएगा, ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा सी। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सर्च इंजन, अब कंप्यूटर के सवाल हमारे शुरू हो गए हैं, तो सर्च इंजन कौन कौन से हैं जी, बिंग सर्च इंजन है किसका, माइक्रोसॉफ्ट का, ठीक, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो एग्जाम्पल है वो है पाइथन, ठीक है। अदर एग्जाम्पल्स की हम बात करें तो दूसरे एग्जाम्पल होते हैं जावा, जावा प्लस, सी प्लस प्लस, लिस्प, पर्ल, ADA 95, स्मॉल टॉक और FL वगैरह, ठीक है। आप नोट कर लीजिएगा, चाहे वीडियो पॉज करके या रिवाइंड करके दोबारा देख लीजिएगा। 53 नंबर देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज ऑल्सो पाइथन, तो ऑप्शन सॉरी क्वेश्चन नहीं आ रहा, ओके अब आ गया स्क्रीन पर, ये भी है पाइथन, 53 नंबर की बात हो रही थी। देन 54 नंबर देखिए, वन निबल इज इक्वल टू हाउ मच, 4 बिट्स, ठीक है, और 8 बिट इज इक्वल टू बाइट, 1 बाइट। नेक्स्ट 55, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डेसिमल, इज डेसिमल नंबर इक्वल टू ऑक्टल नंबर 13, ओके अब समझने की कोशिश करिए कैसे इसको हम निकालेंगे, ये दिया है हमें 13, ओके तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1 और 3, तो यहाँ पर देखिए 1 इंटू 8 टू पावर 1 प्लस 3 इंटू 8 टू पावर 0, ठीक, तो ये कितना हो जाएगा 8 की पावर 1 मतलब 8, और ये 3 इंटू 8 की पावर 0 मतलब 1, तो ये कितना हो गया टोटल मिलाकर 8 प्लस 3 11, ये होगा आपका डेसिमल वैल्यू, इसकी डेसिमल नंबर, ओके तो ऑप्शन बी आपका आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 56, बुलियन एक्सप्रेशन इज इक्वल टू, तो ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा एक्स के। नेक्स्ट क्वेश्चन 57, बुलियन एक्सप्रेशन इज इक्वल टू, ये क्वेश्चन अभी हमें छोड़ना पड़ेगा क्योंकि बुलियन एक्सप्रेस में ये हमें समझ नहीं आ नहीं रहा है, तो ये किसी एक्सपर्ट से पूछ करके हम बाद में बताएंगे, क्योंकि हमने ये बहुत दिन से पढ़ा नहीं है। 58 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉम्बिनेशनल सर्किट, तो इनमें से देखिए कॉम्बिनेशन ऑफ सर्किट कौन सा है, ये है आपका मल्टीप्लेक्सर, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट इज 59, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सिक्वेंशियल सर्किट, इनमें से कौन सा सिक्वेंशियल सर्किट है, तो ऑप्शन ए आपका आंसर है काउंटर। क्लियर, कुछ और एग्जांपल्स इसके देखिए, फ्लिप फ्लॉप होता है, रजिस्टर होता है, क्लॉक्स होता है, आप नोट करके रख सकते हैं। 60 नंबर देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री कोडिंग स्कीम, इनमें से कौन सी सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री कोडिंग स्कीम नहीं है, तो ये नहीं है आपका BCD, ऑप्शन जस्ट वन नॉट विजिबल, ओके BCD आपका आंसर है यहाँ पे। नेक्स्ट इस क्वेश्चन नंबर 61, ओके 61 कहता है जॉयस्टिक इज ए डिवाइस, कैसे डिवाइस है, तो ये इनपुट डिवाइस है, आपने देखा होगा बच्चे वीडियो गेम खेलते हैं तो जो उनके हाथ में हैंडल टाइप का होता है वही जॉयस्टिक होती है। नेक्स्ट 62, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आउटपुट डिवाइस, इनमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस है,
तो आउटपुट डिवाइस इनमें से है प्रोजेक्टर, ऑप्शन सी करेक्ट है। इसके अलावा मॉनिटर भी आउटपुट डिवाइस होता है, प्रिंटर भी आउटपुट डिवाइस होता है, हेडफोन भी और साउंड कार्ड वीडियो कार्ड वगैरह भी। नाउ क्वेश्चन नंबर 63 कहता है ओपेरा इज ए, तो ओपेरा क्या है, एक वेब ब्राउजर है। इसके अलावा और वेब बहुत सारे वेब ब्राउजर हैं जैसे मोजिला फायरफॉक्स, एप्पल का आता है सफारी, माइक्रोसॉफ्ट एज आता है जिसे आप एक्सप्लोरर के नाम से जानते थे पहले। इसके अलावा क्रोम है, ये आपका नेटस्केप नेविगेटर होता है, ये ब्रेव होता है, एक विवाल्डी होता है, एक आपका डक डक गो होता है। ठीक है, तो ये सब नोट कर सकते हैं आप, आपको काम आएंगे, इनमें बहुत सारे सवाल आने वाले हैं। 64 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वेब ब्राउजर, इनमें से कौन सा वेब ब्राउजर है, तो वेब ब्राउजर आपका इनमें से सफारी है। ठीक, एप्पल का सफारी। नेक्स्ट इज 65, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम, इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें होगा K42, 65 का सी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 66, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेसिमल नंबर इक्वलेंट टू ए नंबर ऑफ रेडिक्स 5। ओके, तो इसके इक्वलेंट हमें बताना है क्या होगा डेसिमल नंबर। तो देखिए पहले 2 के बदले हम क्या रखेंगे, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 2 × 5 की पावर 1 प्लस 2 × 5 की पावर 0। क्लियर, अब यहाँ देखिए 2 × 5 की पावर 1 मतलब 5 प्लस 2 × 5 की पावर 0 मतलब 1, तो ये कितनी हो जाएगी वैल्यू इसकी, 10 प्लस 2 12, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, सी। ये फ्री के नंबर्स हैं। 68 देखिए, सॉरी 67, इज दैट देयर इज एन इंटरनेट दैट इज एक्सेसिबल टू सम पीपल फ्रॉम आउटसाइड द कंपनी, तो ये होता है एक्सटरनेट, ऑप्शन बी आपका आंसर। नेक्स्ट इज 68, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इनमें से कौन सा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, तो ये होता है आपका इंग्रेस। ओके, नेक्स्ट इज 69, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए जर्मन बेस्ड मल्टीनेशनल कंपनी, तो ये है आपकी सैप, ऑप्शन सी इज करेक्ट। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 70 क्या कहता है, ये विच डेटा स्ट्रक्चर इज यूज टू इम्प्लीमेंट ए रिकर्सिव फंक्शन, तो ये होता है आपका स्टैक, ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 68 में हमने आपको आंसर बताया था इंग्रेस। कुछ और जो डेटाबेस मैनेजमेंट DBMS हैं वो आप नोट कर सकते हैं, माई SQL, ओरेकल, माई SQL, ओरेकल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस और फायरफॉक्स, सॉरी फॉक्स प्रो। और बाइडू जो है ना यहाँ पे, ये एक सर्च इंजन है बहुत फेमस है ये भी, लेकिन ये चाइना का है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 71, यहाँ से रीजनिंग स्टार्ट हो रही है। इफ CD मीन 34, AC मीन दिस, BD मीन दिस, तो BA इज इक्वल टू CD। देखिए क्या है ये, CD है आपका 34, क्यों है 34, क्योंकि C की वैल्यू होती है 3 और D की होती है 4, अल्फाबेट्स में इनकी पोजिशन है ये। देन AC की A की होती है 1, C की होती है 3, तो 13। ओके, BE की ऐसे ही आप देखेंगे तो ये होती है 2 और ये होती है 5। क्लियर, और DA की भी ऐसे ही 4 और 1 होती है, तो BA की ऐसे ही क्या होगी, 2 और 1 21, तो ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, X इज स्टैंडिंग 13th पोजिशन इन QN एंड इज एट 17th पोजिशन फ्रॉम द एंड ऑफ द सीक्वेंस, द नंबर ऑफ पर्सन इन द क्यू इज, तो एक ही आदमी की या एक ही चीज़ की दो पोजीशन बता रहा हो, एक इस एंड से दूसरी दूसरे एंड से। ठीक है, इसे हम कई बार टॉप और बॉटम में भी दिखाते हैं, ऐसे भी दिखाते हैं। ठीक है, तो एनीवे कोई बात नहीं, ये हुआ राइट आपका, ये हुआ आपका लेफ्ट। फॉर्मूला क्या होता है, शॉर्टकट होता है L+R इज इक्वल टू T+1। तो लेफ्ट से इसकी पोजिशन सपोज ये है 13 और राइट से कितनी 7, तो T की वैल्यू हमें निकालनी है, टोटल कितने लोग उस रो में हैं, तो T इज इक्वल टू हाउ मच 19, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, बी। ऐसी और कुछ प्रॉब्लम्स पर आप प्रैक्टिस कर सकते हो हमारी वीडियो के मार्फत, हम लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर लेंगे, किसी वजह से नहीं मिलता तो आप हमें प्लीज़ एक कमेंट में ज़रूर याद दिला दें। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 73, इफ एक्स इज हाफ ऑफ वाई एंड वाई इज डबल ऑफ जेड, देन इफ एक्स इज हाफ ऑफ वाई, क्लियर, एंड वाई इज डबल, और वाई क्या है, डबल है किसका, जेड का, 2Z, तो यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे वाई इसका भी तो डबल है एक्स का, एम आई राइट, और ये जेड का भी डबल है, इसका मतलब एक्स और जेड दोनों बराबर हैं, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा 73 का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 74 में ऑड फिगर बतानी है कौन सी होगी, तो यहाँ पे कितने साइड हैं, 6, यहाँ पे 4 साइड हैं, यहाँ पे 3 साइड हैं, लेकिन ये लाइन जो है लाइन सेगमेंट बिल्कुल अलग है। क्लियर, ये कोई फिगर नहीं बना रहा। 75 नंबर देखिए, आसिफ इंट्रोड्यूस सिद्रा एज द सिस्टर ऑफ ओनली सन ऑफ हिज फादर्स वाइफ, उसके फादर की वाइफ मतलब उसकी माँ, ओनली सिस्टर ऑफ द सिद्रा एज अ सिस्टर ऑफ ओनली सन ऑफ हिज फादर्स वाइफ, उसके फादर की वाइफ मतलब उसकी माँ की के बेटे की ओनली सिस्टर,
सॉरी सिस्टर है, ओनली सन की सिस्टर। हाउ इज सिस्टर रिलेटेड टू आसिफ मदर, तो आसिफ की मदर की वो कौन है डॉटर। तो ऑप्शन ए आंसर है आपका। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 76, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेक्स्ट टर्म ऑफ सीरीज, ए बी जेड दिस दिस एंड दिस। तो आप देखेंगे ए से आप बी पे गए फिर जेड पे चले गए, क्लियर। और आगे क्या होता है, बी से सी पे गए, वाई पे गए, सी से डी पे गए, एक्स पे गए। अब आगे ऐसे ही बताना क्या होगा। तो ए से बी, बी से सी, यहाँ से बी पे जाइए, बी से सी पे जाइए, सी से हम कहाँ जाएंगे डी पे जाएंगे। ओके, ऐसे ही बी से सी पे गए, सी से डी पे गए, डी से कहाँ जाएंगे ई पे जाएंगे। और ऐसे ही जेड से गए वाई पे, उल्टा चल रहे हैं, वाई से गए एक्स पे, तो एक्स से कहाँ जाएंगे डब्ल्यू पे। तो डी ई डब्ल्यू ऑप्शन बी आपका आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट इस क्वेश्चन नंबर 77, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेक्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज, सी ए सी दिस दिस दिस। ओके, तो देखिए पहला और तीसरा लेटर तो एक जैसा है, और यहाँ से हम ए से गए जेड पे, जेड से गए वाई पे, और वाई से हम जाएंगे कहाँ पे एक्स वाई जेड, तो एक्स आना चाहिए बीच में, ठीक। और पहले क्या आएगा, सी से गए हम डी पे, डी से गए ई पे, ई से गए हम एफ पे, तो एफ एक्स हो गया, और एक्स सॉरी एफ ही बाद में लगेगा क्योंकि पहला और तीसरा लेटर यहाँ भी एक जैसा है, यहाँ भी एक जैसा है, यहाँ भी एक जैसा है, तो यहाँ भी एक जैसा रहेगा। तो आंसर क्या होगा, एफ एक्स एफ। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, एफ एक्स एफ, पहला ए इज राइट, क्लियर। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 78, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेक्स्ट नंबर इन द सीरीज 1 2 4 7। ठीक है, 1 2 4 और फिर गए 7 पे। तो 1 प्लस किया हमने यहाँ पे, यहाँ पे 2 प्लस किया, यहाँ पे हमने 3 प्लस किया, तो 7 मिला। ऐसे हम 4 प्लस करेंगे तो हमें मिलेगा 11, ये हमारा होगा आंसर, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेक्स्ट नंबर इन द सीरीज, तो 149। आप देख रहे हैं ये भी स्क्वायर, ये भी स्क्वायर, ये भी स्क्वायर, ये भी स्क्वायर, तो अगला स्क्वायर किसका होगा, 5 का, ठीक है, ये होगा 25। ऑप्शन कौन सा, बी सही होगा। 80 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेक्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज, ये दी है हमें सीरीज, तो B1, B की वैल्यू 1 ही होती है, इसका आगे 1 लगा दिया, ये कुछ और दिक्कत है नहीं। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का होता है ये, 3 का होता है ये, 4 का होता है ये, तो आपकी बार 5 का स्क्वायर आने वाला है, यानी कि 25 लगा होगा, वही हमारा आंसर बनेगा, तो ये हमारा आंसर नहीं बन सकता, क्लियर। अब देखिए बी से गए हम सी पे, सी से डी, डी से ई, ई से जाएंगे हम एफ पे, ठीक है, तो एफ से शुरू होगा हमारा आंसर, और एफ कितना हुआ 25, ये हमें E25 दिया, ये भी एलिमिनेट कर दो आप। अब हम चलते हैं सी से गए हम डी पे, ऊपर देखिए डी से ई पे, ई से गए हम एफ पे, एफ से कहाँ जाएंगे जी पे, तो F25G कहाँ पे आ रहा है, F25G यहाँ पे आ रहा है और यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, तो हमें थोड़ा और चलना पड़ेगा। डी से गए हम ई पे, ई से एफ पे, एफ से जी पे, तो जी से कहाँ जाएंगे एच पे, तो FGH, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेक्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज दिस 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 एंड दिस। ओके, तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही होगा, Z1 B2 X1। तो देखिए Z से Y पे गए, X पे गए, उल्टा चल रहे हैं अल्फ़ाबेट्स की सीरीज में, ठीक है, अल्फ़ाबेट्स में उल्टा चल रहे हैं। X से W पे, और W से कहाँ जाएंगे हम UTUVW, तो W से जाएंगे हम V पे, नेक्स्ट लेटर क्या होगा हमारा V। ओके, अब A से गए V पे, B से C, D, अब क्या कहाँ जाएंगे E, तो VE होगा, लेकिन VE हमें 2 जगह दिया, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, बाकी सब एलिमिनेट हो चुका है। अब देखिए नंबर 1 है यहाँ पे, 2 है यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, तो अल्टरनेट पोजीशन पर लगेगा, आपकी बार V के साथ लगेगा क्या, 1 2 1 2 करके लग रहा है, तो 1 लगेगा, V1E, ऑप्शन पहला राइट हो जाएगा। नेक्स्ट इज 82 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कोड ऑफ कैट इन ए कोडिंग स्कीम विच बैट इज कोडेड एज 2120। बैट का कोड क्या है, BAT का 2120, तो कैट का बताना है क्या होगा। देखिए बैट का बी का होता है, वैल्यू होती है 2 अल्फाबेट्स में, दूसरी पोजीशन ए की होती है 1, 2 और 1 3, और इसकी कितनी होती है टी की 20, तो टी की तो 20 यहाँ लगी है, लेकिन बी और ए की कैसे निकलेगी, सॉरी हमने वैल्यू गलत रख दी है, 2120 है, 2120, 2 है बी की, ए की है 1 और टी की है 20, क्लियर। तो सी के लिए भी ऐसे रखो, आप सी की होती है 3, ए की होती है 1 और टी की होती है 23120, तो ऑप्शन डी आंसर बनेगा। नेक्स्ट इस क्वेश्चन नंबर 83, और ये क्या कहता है 83 नंबर, मुझे तो फॉलोइंग इज द कोड ऑफ सीडी इन ए कोडिंग स्कीम इन विच कैट इज कोडेड एज 24। कैट को कोड दिया है 24, तो कैसे, सी को दिया 3, ए को दिया 1 और टी को दिया 20, कितना हो गया 24, गुड। ओके, तो सीडी को कैसे देंगे आप, सी का 3 और डी का 4, तो हो जाएगा 7, ऑप्शन पहला सही। नेक्स्ट इज 84, पोटैटो इज रिलेटेड टू वेजिटेबल इन द सेम वे एज ग्राम इज रिलेटेड टू। तो पोटैटो क्या है, वेजिटेबल है, ग्राम क्या है, दाल पल्स। ओके,
नेक्स्ट इस क्वेश्चन नंबर 85 कहता है मिल्क इज रिलेटेड टू गोट, गोट से मिलता है। इन द सेम वे एज एग इज रिलेटेड टू, एग किससे रिलेटेड होगा, एग मिलता है हमें हैं से, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 86, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कोड ऑफ जेएमआई इन ए कोडिंग स्कीम इन विच कैट इज कोडेड एज एस ए डी, कैट को कोड किया एस ए डी। चलिए हम भी करते हैं कोडिंग, तो सी के ये तो ए रहा, यहाँ भी बीच में है, यहाँ भी बीच में, ठीक है। टी को आप इधर ले आए एक माइनस करके, और सी को आप इधर ले गए एक प्लस करके, तो हम ऐसे ही जेएमआई में करेंगे जेएमआई। तो देखिए जे को ले जाएंगे सबसे लास्ट में और एक करेंगे प्लस, तो जे के हो जाएगा ये, ओके। और एम एज इट इज रहेगा, और आई को हम एक माइनस, एच आई होता है तो एक कम करके यहाँ लगा देंगे, तो एच एम के। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 87, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कोड ऑफ डी आई जी इन कोडिंग स्कीम इन विच बी ए डी इज कोडेड एज डी ए बी। चलिए बी ए डी कोड किया गया है डी ए बी की फॉर्म में, ए अगेन बीच में है, यहाँ पे भी बीच में है, ठीक। बी को हटा करके उधर लेगा और डी को हटा कर उधर लेगा, पोजिशन बदल दी गई है, तो डी आई जी को ऐसे ही लिखेंगे, डी को लास्ट में लगा देंगे, ठीक है, और जी को पहले लगा देंगे, और आई एज इट इज रहेगा जी आई डी। ऑप्शन बी इज करेक्ट। 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा अगर आप हमारे वीडियोस फॉलो करोगे। 88 नंबर देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कोड ऑफ बैट इन कोडिंग स्कीम इन विच कैट इज कोडेड एज एक्ट, सी ए टी कैट कोड किया गया एक्ट की फॉर्म में, तो हो क्या रहा है, सी और ए को एक दूसरे से बदल दिया गया, पोजिशन बदल दी गई है, तो बैट के साथ भी हम वही करने वाले हैं, ए बी और टी हो जाएगा, तो ए बी टी ऑप्शन सी में दिया है। 89, इफ एक्स वाई मीन टू कैट मीन थ्री पी जी डी सी ए मीन फाइव देन बी ए टी इज इक्वल एंड टू, तो एक्स वाई इज इक्वल टू टू, एक्स एंड वाई इज इक्वल टू टू कैसे, तो देखिए यहाँ जो लॉजिक लग रहा है ये कि दो लेटर हैं तो ये दो हो गया, तीन लेटर, तीन हो गया पी जी डी सी, पाँच लेटर तो पाँच, बी ए टी भी तीन लेटर हैं, तो ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। 90 नंबर देखिए, इफ ए बी इज दिस बी सी इज दिस बी डी इज दिस देन सी ए बी इज, तो ए और बी, ए की पोजिशन होती है वन, बी की होती है टू, तो ये हो जाएगा थ्री, बी की पोजिशन होती है टू, सी की होती है थ्री, तो ये हो जाएगा फाइव, ठीक है। बी डी, बी की होती है दो, डी की होती है चार, तो ये हो जाएगा छः बिल्कुल, और सी ए भी ऐसे ही निकालेंगे आप, तो ये हो जाएगा तीन, ये हो जाएगा एक, और ये हो जाएगा दो, तो तीन तीन छः, ठीक, सिक्स हो जाएगा, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा आपका। और अब क्वेश्चन नंबर 91 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मोस्ट नियरली द अपोजिट मीनिंग एज द वर्ड सर्टेनली, सर्टेनली मतलब कन्फर्म, पूछा है हमसे अपोजिट वर्ड, तो पॉसिबली, ओके, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी बताई जा रही है, संभावना, क्लियर। 92, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मोस्ट नियरली द अपोजिट मीनिंग एज द वर्ड आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल मतलब हमने खुद बनाया है, जबकि दूसरी चीज़ क्या होती है नेचुरल, अपोजिट ही पूछा, तो ऑप्शन डी इज आंसर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 93 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मोस्ट नियरली द सेम इन मीनिंग एज वर्ड आर्डस, तो सेम पूछा है, इसका मतलब सिनोनिम क्या होगा इसका आर्डस का, आर्डस का होगा डिफिकल्ट, कठिन, ओके। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 94, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मोस्ट लाइक नियरली द सेम इन मीनिंग एज द वर्ड कैनी, मतलब सिनोनिम यहाँ पे भी बताना है, और कैनी का सिनोनिम क्या होगा, कैनी होता है मतलब चालाक, तो ये हुआ क्लियर, ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट इज 95, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, तो फोरकास्ट, ऑप्शन सी करेक्ट हो गया आपका। और क्वेश्चन नंबर 96 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली स्पेल्ड वर्ड अगेन एफ ओ आर ई आई जी एन, आई जी एन, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, आई सॉ ए हर्ड ऑफ काउ इन द फील्ड, काउ के झुंड के लिए कहा जाता है हर्ड। 98 देखिए, ड्यूरिंग फेस्टिवल द शॉप्स आर फुल ऑफ पीपल, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा आपका। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 99, हैंडसम इज ए एडजेक्टिव, और उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवर्ब इन द सेंटेंस द हाउस वाज स्पॉटलेसली क्लीन, तो एडवर्ब वो होगा जो वर्ब की खासियत बता रहा हो, तो स्पॉटलेसली, ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो एकदम से ये पूरे 100 क्वेश्चन हो गए, अब एक क्वेश्चन छूटा हुआ था हमारा, क्वेश्चन नंबर 15 वो देख लेते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 15, इफ अल्फा बीटा आर जीरोज ऑफ दिस देन द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज दिस, तो इसको आप सीधे मल्टीप्लाई करके 2x प्लस 10
और 3x+21 आप कन्वर्ट कर लेंगे किसमें, ये हो जाएगा आपका 6x2। हम सीधे कर दें, आप खुद भी ट्राई कर लेना, 72x+210। ओके, अब यहाँ पे आप देखिए ए इज इक्वल टू व्हाट, 6, एंड बी इज इक्वल टू 72, एंड सी इज इक्वल टू 210। अब यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होती है, माइनस का बी अपॉन ए। बी क्या है हमारे पास, बी है 72 और ए क्या है हमारे पास 6, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 12। तो ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।